हाँ बच्चों, तो तैयार हैं आप सब लोग सेकंड पार्ट सॉल्ट एनालिसिस का परफॉर्म करने के लिए, जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे। और इस वाले टेस्ट में यानी कॉन्सेंट्रेटेड के केस में हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और एसीटेट सॉल्ट का आपको टेस्ट करके दिखाएंगे और ओरिजिनल सैंपल से देखेंगे उनकी ऑब्जर्वेशन कैसी है। तो आज की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोराइड का सॉल्ट। तो हमारे पास क्लोराइड का सॉल्ट होगा जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और हमें एक गैस मतलब कलरलेस गैस ऑब्जर्व होगी, हालांकि उसकी कुछ स्मेल है, पंजेंट स्मेल, ठीक है, काफ़ी तेज गंध होगी, बहुत ज़्यादा खांसी भी आ सकती है अगर ज़्यादा इनहेल कर लिया। और साथ ही साथ कुछ आगे भी टेस्ट लिखा हुआ है कि अगर हम जहाँ से जिस टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है अगर उसके ऊपर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप्ड रॉड को लेके जाएंगे तो वाइट डेंस फ्यूम्स ऑब्जर्व होंगे। तो अच्छे से आप एक बार लाइन देख लीजिए और इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाते हैं और उसके बाद मूव करेंगे हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए। तो इंडिकेटरी टेस्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए तो फॉलो करते हैं इस बात को और समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए और अब हम उसमें क्लोराइड का सॉल्ट लेंगे, जो भी सॉल्ट आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, हमें अभी पता है कि हमारे पास क्लोराइड का सॉल्ट है, मैंने इसमें क्लोराइड का सॉल्ट ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, बहुत ध्यान से, और क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ ये काम कर रहा हूँ तो मैंने हैंड ग्लव्स नहीं अभी पहने हुए, अदरवाइज कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते टाइम आपको हैंड ग्लव्स जरूर पहनने हैं। अब जो गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो उस गैस की देखिए कोई भी कलर नहीं है, लेकिन अगर आप अगर आप इसके पास लेके जाए, मतलब नॉर्मली आप देखिए अगर क्लोराइड का सॉल्ट है तो बहुत पास में बिल्कुल ना ले जाएं क्योंकि खांसी बहुत तेज आ सकती है आपको। तो अब क्या करना है, आपको एक ग्लास रॉड लेनी है, मैंने ग्लास रॉड ली है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में ऑलरेडी डिप कर रखी है। जैसे ही मैं इसके माउथ के पास ले जाऊंगा आप कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए देखिए कि आप सबने ऑब्जर्व, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी अवॉइड करता है कि अगर ये बहुत पंजेंट स्मेल की गैस निकलती है, HCl वेपर्स निकलते हैं एक्चुअली जिनकी वजह से ये पंजेंट होती है, तो आप स्मेल ना करें, आप डायरेक्ट ये ग्लास रॉड टेस्ट करके भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनरली जो कलर्ड गैसेज होती हैं उनमें हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन जो कलरलेस गैसेज होते हैं उनके लिए हमें कोई ना कोई अलग परफॉर्म करना पड़ता है इंडिकेटरी टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि ये क्लोराइड का सॉल्ट है और HCl वेपर्स निकल रहे थे जब हमने NH4OH की रॉड लेके पास गए उसके, तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड के वाइट डेंस फ्यूम्स हमें नजर आए, अमोनियम क्लोराइड के वो डेंस फ्यूम्स नजर आए थे, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाली बात हमने ऑब्जर्व कर ली, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर ली। बात करते हैं कि कन्फर्मिटी टेस्ट में सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कैसे किया जाएगा। अब कन्फर्मिटी टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, जो भी सॉल्ट आपको क्लोराइड का प्रोवाइडेड है आप क्या करेंगे उसका सोल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद कुछ ड्रॉप आप HNO3 और साथ ही साथ आप क्या करेंगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करेंगे और देखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होते हैं या नहीं, ठीक है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे उसका सोल्यूशन बनाएंगे। ये स्पैचुला से हमने सॉल्ट ऐड कर लिया, अब इसमें थोड़ा सा आप क्या ऐड करें पानी ऐड करें ताकि इसका बहुत ही क्लियर सोल्यूशन अच्छा सा बन जाए। तो अच्छे से शेक करें, सारे क्रिस्टल्स डिजॉल्व कर लें प्रॉपर, और देखिए आप डिजॉल्व हो चुके हैं, एक क्लियर सोल्यूशन बन गया है। अब आप इसमें कुछ दो तीन ड्रॉप ऐड करेंगे HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की, ये मैंने इसमें कुछ ड्रॉप ऐड कर दी, ठीक है। सो नाइट्रिक एसिड की ड्रॉप ऐड करने के बाद अभी भी सोल्यूशन क्लियर रहेगा। जैसे ही आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे AgNO3 ड्रॉपर से आप AgNO3 ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से देखिए ऑब्जर्व कीजिएगा चेंज क्या आता है। देखिए मैं ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड कर रहा हूँ, आप इस चेंज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, हर एक ड्रॉप के साथ देखिए कुछ वाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट हो रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग, देखिए। तो यहाँ से जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला
तो AgNO3 से क्लोराइड सॉल्ट AgCl बनाता है, क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्चुअली जो आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं ये सिल्वर क्लोराइड की वजह से, और ये कंफर्म कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन इन द गिवन सॉल्ट। ठीक है, तो पहला वाला हमने टेस्ट परफॉर्म किया, होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की। ठीक है, सो मूव करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो इसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि किस तरीके से करें। सबसे पहले जो भी सॉल्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है उस सॉल्ट को क्या करें, थोड़े से सॉल्ट को आप ऐसे वॉच ग्लास में ले लें। ठीक है, और अब उसमें कुछ क्रिस्टल्स आप ऐड करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के। किसके ऐड करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे देखो लिखा है ना, मिक्स द गिवन सॉल्ट विद K2Cr2, तो K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, उसके कुछ क्रिस्टल्स इसमें आप ऐड करेंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, और इस सॉल्ट को क्या करेंगे, इसका मिक्सचर बना लें, मतलब यहाँ पे अब हमारे पास दिया हुआ क्लोराइड का सॉल्ट है और K2Cr2O7 का मिक्सचर है। अब क्या करेंगे, इस मिक्सचर का कुछ अमाउंट निकालना है आपको, और आप YouTube के बड़े वाले साइड पोर्शन में यानी कि बड़ी वाले लेंथ वाले ट्यूब में आप ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा मैं और एक्सेस में इसको डाल लेता हूँ ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा है और आपको बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व हो। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो YouTube पोर्शन है इसमें आप NaOH ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, NaOH। तो मैं इसके अंदर इसमें NaOH का सोल्यूशन भर रहा हूँ, इस साइड में ये जो YouTube पोर्शन है ना इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भर लें, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बड़े जो साइड टेस्ट ट्यूब है ना इसमें जिसमें आपका सॉल्ट का मिक्सचर पड़ा हुआ है, अब इसमें आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, बहुत ध्यान से ऐड करेंगे। मैंने ग्लव्स पहन लिए ताकि आप लोग भी फॉलो करें, नहीं तो फिर आप कहेंगे टीचर्स ने फॉलो नहीं किया तो हम क्यों करें, इसलिए मैंने भी ग्लव्स पहने। अब जो भी क्रोमाइल गैस या जो ऑरेंज वेपर्स होंगे ना उनको आप पास करेंगे थ्रू दिस यूट्यूब पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, और कई बार जब वेपर ज़्यादा ना निकले तो आप इस कंटेंट को हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़े में देखेंगे कि जो आपका क्लियर सोल्यूशन था बच्चों वो धीरे 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 येल्लोइश नेचर शो करेगा। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इस वाले साइड में देखो पीलापन आ रहा है, ठीक है, येल्लो सोल्यूशन बन रहा है ना बच्चों। तो देख, तो हमने देखो क्या किया, हमने सॉल्ट मिक्सचर बनाया, ठीक है, दिया हुआ सॉल्ट K2Cr2O7 H2SO4 ऐड किया बड़े वाले साइड में, और वहाँ से जो ऑरेंज वेपर्स यानी रेड वेपर्स ऑलमोस्ट जो निकल रहे थे उनको NaOH सोल्यूशन से पास किया। ऐसा करने पर क्या हुआ, NaOH सोल्यूशन जो है आपका वो कैसा हो गया, येल्लो हो गया। अब क्या करना है, कुछ एसिटिक एसिड का अमाउंट ऐड करेंगे इस येलो साइड वाले पोर्शन में, एसिटिक एसिड और क्या ऐड करेंगे, लेड एसिटेट, और वो जो येलो सॉल्यूशन है ये येलो प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसी वाले पोर्शन में यूट्यूब पोर्शन में कुछ एसिटिक एसिड के ड्रॉप ऐड करो। ठीक है, ये लीजिए मैंने एसिटिक एसिड की ड्रॉप इसमें ऐड कर दी, बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। ठीक, अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ लेड एसिटेट, क्या ऐड करेंगे हम इसमें, लेड एसिटेट। तो देखें ये क्या कर्डी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा, देखिए बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, और इसको थोड़ा सा शेक करेंगे और ये धीरे धीरे जो सॉल्यूशन पीला सॉल्यूशन नज़र आ रहा था आपको वो आपको प्रेसिपिटेट में बदलता हुआ बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। देखिए ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो कि आपने बहुत अच्छे से सीखा, प्रोसीजर को पूरा बहुत ध्यान से आप नोट कीजिएगा। ठीक है, कई बार वाइवा में ऐसे सवाल क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड से पूछे गए हैं, तो सभी पार्ट्स आपके वाइवा के लिए भी इम्पॉर्टेंट और परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ब्रोमाइड के लिए टेस्ट। ठीक है, ब्रोमाइड के लिए टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रोमाइड, क्लियर है। ठीक है, सो ब्रोमाइड के लिए जब टेस्ट करेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही अपने टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें ब्रोमाइड का सॉल्ट है, तो देखिए रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलेंगे, जनरली ब्रोमीन गैस के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कन्फर्मेटरी के केस में करेंगे और MnO2 टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिकेटरी टेस्ट कि किस तरीके से ये हमें
प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देगा। तो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, जिसमें आप ब्रोमाइड का कुछ सॉल्ट लेंगे, ठीक है। ये रहा, हमने ब्रोमाइड का सॉल्ट ले लिया। अब उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे और आप देखिएगा ऑब्जर्वेशन, क्या रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलेंगे, बहुत फाइन होंगे। ध्यान से आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, अगर आप टेस्ट ट्यूब को क्लोज करेंगे तो बेशक आपको ब्राउन वेपर्स, टेस्ट ट्यूब आपकी हल्की सी ब्राउन होती हुई नज़र आएगी। देख रहे हैं आप लोग ध्यान से, ये देखिए ब्राउनिश दिख रही है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से कलर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो ठीक है, तो ये ब्राउन वेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसको स्मेल नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी गंध से धुआं निकल रहा है इसमें, तो आप सीधे इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो चलिए अब इसका कन्फर्मिटी टेस्ट करते हैं। तो जब कन्फर्मिटी टेस्ट करेंगे तो सबसे पहला कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो फिर से वही आपको स्टार्ट करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में वापस आप सॉल्ट लीजिए और सॉल्ट का सोल्यूशन बनाइए। जनरली जितने भी कन्फर्मिटी टेस्ट हैं आप देख पा रहे होंगे सबका सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्ट ले लिया, अब थोड़ा उसमें वाटर ऐड करें और इसका एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करें। तो अच्छे से एक बार इसका बढ़िया सा शेक करते हुए क्लियर सोल्यूशन बनाएंगे। देखिए मैंने सारे क्रिस्टल्स डिजोल्व हो चुके हैं, कर लिए। अब इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से पहले कुछ ड्रॉप आप HNO3 के ऐड करेंगे। तो इसमें कुछ ड्रॉप आप सिल्वर नाइट्रेट से पहले HNO3 नाइट्रिक एसिड की ऐड करेंगे, उसके बाद आप ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो देखेंगे आप, ऑब्जर्वेशन देखिएगा, देखिए ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो वाइट, जो क्लोराइड के केस में वाइट फ्यूम्स नज़र आ रहे, वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहे थे, लेकिन इस केस में आपको जो प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे जब आप इन्हें फिल्टर करके ऑब्जर्व करेंगे या फिर बॉटम में आप ध्यान से देखेंगे, तो ये प्रेसिपिटेट आपके लाइट येलो कलर के होंगे, ये टिपिकल वाइट नहीं होंगे। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लाइट येलो कलर आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, लाइट येलो कलर, ठीक है। सो लाइट येलो कलर के अगर प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हुए तो इसका मतलब हमारे सॉल्ट में क्या था, हमारे सॉल्ट में ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। तो ब्रोमाइड का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट आपका हुआ, ये क्लियर। तो अब बात करते हैं इसका दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट, जो कि कौन सा, हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, आपको सॉल्ट लेना है, सॉलिड सॉल्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड उसमें ऐड करेंगे सॉलिड, ठीक है सॉलिड, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जो ब्राउन गैस निकलेगी वो स्टार्च पेपर को येलो में कन्वर्ट कर देगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, वॉच ग्लास लें, वापस ब्रोमाइड का सॉल्ट लेंगे, इस वाले केस में सॉल्यूशन नहीं बनाना, मिक्सचर पहले प्रिपेयर करना है। सॉल्ट ले लिया, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, और आप मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। देखिए ध्यान से, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेने के बाद आप मिक्सचर बनाएं और इस मिक्सचर को हम लोग अपनी एक टेस्ट ट्यूब में भर लेंगे, ठीक है। ये मैं मिक्सचर ले रहा हूँ और हम इसे टेस्ट ट्यूब में भरने वाले हैं, ठीक है। एक और टेस्ट ट्यूब ली मैंने और उसमें ये मिक्सचर इस तरीके से डाल दिया। देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, मिक्सचर मैंने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप ऐड करने के बाद आप अपना एक स्टार्च पेपर लेंगे, वाइट स्टार्च पेपर, ये देखिए, ठीक है। वाइट स्टार्च पेपर को जैसे ही आप इस में नीचे की तरफ लेके जाएंगे, मतलब वो जो गैस निकल रही है उसको पास होने देंगे इसके ऊपर से, ठीक है। ध्यान से ठीक है, तो थोड़ी देर तक इसे हैंग करके रखना पड़ेगा जब तक कि ब्राउन फिल्म्स ढंग से ना निकलें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका स्टार्च पेपर देखिए येलो रंग का हो चुका है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं येलो रंग का हो चुका है। तो इस तरीके से ये वाली प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी हमारी पूरी हुई। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एसीटेट आयन का टेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिनल एसीटेट सॉल्ट अभी होगा,
तो अब उसमें क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करते ही एक कलरलेस गैस इवॉल्व होगी और वो कलरलेस गैस की एक आइडेंटिफाइड स्मेल होगी, और स्मेल देखिए वो कौन सी होगी, विनेगर स्मेल। ठीक है, सो विनेगर स्मेल कहीं ना कहीं ये वैसी स्मेल होती है बिल्कुल जब हम अपने घरों में जब अचार पड़ता है तो उसमें सिरके की जो स्मेल होती है वही विनेगर स्मेल, बिल्कुल सूंधी सूंधी सी होगी, खट्टी खट्टी सी। ठीक है, एक बार सिरका हाँ चेक करके देखिएगा। सो ये गैस जो है आपका ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगी रहे, क्योंकि ये गैस आपकी जो निकल रही है ये एसिटिक एसिड की वजह से निकल रही है, इसीलिए ब्लू लिटमस को ये क्या करेगी रहे। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद इसके दो टेस्ट कंफर्मेटरी करेंगे, एक आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट होगा और दूसरा आपका एस्टर टेस्ट। तो पहले मैं आपको इंडिकेटरी टेस्ट परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया हमने, अब हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे जैसा कि अभी तक हम करते हुए आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, अब एसिटेट सॉल्ट में क्या ऐड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। जैसे ही आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे तो जो भी पर्टिकुलर अगर आप यस स्मेल करेंगे तो आपको थोड़ी खट्टी सी विनेगर स्मेल नजर आएगी। साथ ही साथ अगर आप ब्लू लिटमस इसमें डालते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे इसमें पास करवाते हैं इसमें गैस को, तो ये ब्लू लिटमस आपका हल्का हल्का रेड में कन्वर्ट होने लगेगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर तक आपको कंटिन्यू इसके अंदर प्लेस करके रखना है, और जैसे ही आप ये निकालेंगे तो देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। पहले ये ब्लू था और अब इसमें रेडिश आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हुआ कि इंडिकेटरी टेस्ट विनेगर स्मेल और ब्लू लिटमस को, लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये इंडिकेशन मिलती है कि ये सॉल्ट आपका किसका है, एसीटेट आयन का। तो अब चेक करते हैं इसके दो कन्फर्मेटरी टेस्ट, एक आपका स्मेल ऑब्जर्वेशन का है और एक आपका बहुत इंटेंस कलर जनरेट करेगा, मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप क्या करें, आप एक फ्रेश क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लें जिसमें आप सॉल्ट सॉल्यूशन पहले बनाएं, सॉल्ट सॉल्यूशन जो भी आपको एसीटेट का सॉल्ट दे रखा है, सॉलिड सॉल्ट ऐड किया, साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे आप, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। याद है हम ज्यादातर केसेस में सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो देखो सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड की और ब्लड रेड कलर ऑब्जर्व होगा। तो चेक करते हैं एक बार कि क्या ये ऑब्जर्वेशन होगी। मेरे पास एसीटेट आयन का एक्वस सॉल्यूशन रेडी है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। मैंने ड्रॉपर से फेरिक क्लोराइड लिया और फेरिक क्लोराइड की कुछ ड्रॉप्स हम ऐड करने वाले हैं। फेरिक क्लोराइड है और मैं कुछ ड्रॉप्स ऐड करने वाला हूं। बहुत ध्यान से कलर पे फोकस कीजिएगा, देखिएगा किस तरीके से कलर में चेंज आता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैंने एक एक ड्रॉप ऐड किया हुआ है और आप देख सकते हैं क्या ये ब्लड रेड कलर आपको नजर आया। So, बिल्कुल ये कंफर्म करता है कि सॉल्ट एसीटेट आयन्स का था। सो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है एसीटेट आयन के लिए ब्लड रेड कलर, यानी कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए, सिंपल। अब बात करते हैं एस्टर टेस्ट की। तो एस्टर टेस्ट के लिए वापस आप कैसे परफॉर्म करेंगे, देखिए सबसे पहले एस्टर टेस्ट के लिए आप सॉल्ट लेंगे, सॉलिड सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे और उसमें आप इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे। तो इन तीनों के मिक्सचर से प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल ऑब्जर्व होगी, और ये जो फ्रूटी स्मेल ऑब्जर्व होगी ये एस्टर फॉर्मेशन की है। किसकी है, एस्टर फॉर्मेशन, यानी कि एसिड से, एसिटिक एसिड से, एसिड की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल से एस्टर बनेगा जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है। तो जरा चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्मेल ऑब्जर्वेशन सिर्फ जब ही आप कर सकते हैं जब आप खुद से ये लैब में परफॉर्म करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्ट ऐड करता हूँ, टेस्ट ट्यूब दूसरी मैंने ले रखी है, उसमें हमने कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड की, बिल्कुल, और उसके बाद इसमें इथाइल अल्कोहल ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इथाइल अल्कोहल, ये मैंने इसमें इथाइल अल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी। ठीक है, अच्छे से कंटिन्यू शेक करेंगे और शेक करने के बाद यस जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही हल्की सी, एकदम मीठी मीठी सी ये मान लीजिए स्मेल आएगी जिसे आप इजीली स्मेल कर पाएंगे।
ठीक है, कोई तीखी गंध नहीं है, कोई कफ कॉजिंग नहीं होगी, यस बहुत ही अच्छी स्मेल कह सकते हो। नॉर्मली ये आपको मैं, जैसे आपने एपीफिस अगर पी होगी तो एपी जैसी स्मेल आएगी, ठीक है, तो इसे आप ऑब्जर्व करना है और रिलेट कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट आयन की तरफ, और ये हमारा पूरा हुआ। हाँ बच्चों, तो टाइम आ गया है नाइट्रेट आयन का टेस्ट करने के लिए। तो देखिए, नाइट्रेट आयन का सॉल्ट हम लेंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे सिस्टम में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि वो रिएक्शन ही नहीं हो रही है। अभी देखते हैं करके परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम सिस्टम को क्या करेंगे, फिर हीट करेंगे। हीट करने पे बहुत ही लाइट ब्राउन, मतलब बहुत हल्के ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे जिनकी पंजेंट स्मेल होगी। अगर कलर्ड है तो स्मेल ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ और अच्छा आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम सिस्टम में FeSO4 के कुछ ड्रॉप ऐड करें तो वो ब्लैक हो जाएगी। नॉर्मली हम लोग ब्रोमाइड और नाइट्रेट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोमाइड में भी ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं ब्रोमाइड आयन के टेस्ट में, और नाइट्रेट में भी निकलते हैं। तो ब्रोमाइड वाले केस में क्या होता है, डार्क ब्राउन फ्यूम्स निकलते बिना हीट करे, मतलब हीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाइट्रेट आयन के जो सॉल्ट है उसमें विदाउट हीटिंग से बिल्कुल ऐसा ऑब्जर्व ही नहीं होगा कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। तो करके देखते हैं इंडिकेटरी टेस्ट, और उसके बाद हम लोग कंफर्मिटी टेस्ट करेंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट और कॉपर चिप्स टेस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं काम। हम लोग सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें मैं नाइट्रेट आयन का सॉल्ट ले रहा हूँ, नाइट्रेट आयन, ठीक है। सो ये मैंने स्पैचुला से नाइट्रेट आयन का सॉल्ट ऐड कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की जब आप कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से इस जगह को देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है सिस्टम में, ऐसा लग रहा है जैसे हमने सिर्फ वाटर ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अब आपको अपनी टेस्ट ट्यूब को थोड़ा हीट करना है, ठीक है, और ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व करने के लिए आप ऊपर से थोड़ा इसे बंद कर लेंगे ताकि लाइट ब्राउन फ्यूम्स आपको नजर आए, अदरवाइज फ्यूम्स आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो मैं कंटेंट को थोड़ा हीट कर रहा हूँ, आप अपने बर्नर पे कीजिएगा, ये मेरा बर्नर है, मैं इसमें थोड़ी देर हीट करूंगा। तो मैं इसको नीचे रख करके हीट कर लेता हूं। देखिए बच्चों, ये आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो ध्यान से, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, इंटेंस ब्राउन फ्यूम्स आपको अब नजर आएंगे जब आप इसे हीट करेंगे सिस्टम को। क्लियर है, विजिबल है आप सबको, ठीक बच्चों। तो आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, इवन अगर व्हाइट बैकग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटिंग टेस्ट हमारा क्लियर हुआ, अब हम बात करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट और कॉपर चिप्स टेस्ट की, जिसमें हम कंफर्मेशन करने वाले हैं। तो कंफर्मेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले ब्राउन रिंग टेस्ट, जैसा कि आप सबको पता है ऑलरेडी, मैंने इसके लिए इंडिविजुअल वीडियोस डाली हुई थी। तो देखो, ब्राउन रिंग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर पड़ते हैं, सबसे पहले सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है, यानी कि जो नाइट्रेट सॉल्ट है उसका सोल्यूशन बनाना है, उसमें FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड करेंगे। फिर अलोंग द साइड टेस्ट ट्यूब, मतलब अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, और आपको बिल्कुल बीच में आपको ब्राउन रिंग फॉर्म नजर आएगी। तो चलिए परफॉर्म करके देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करता हूँ फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब में, ठीक। अब हमने क्या करना है, थोड़े से अमाउंट में वाटर ऐड करना है ताकि क्लियर एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सके, ठीक। इसको अच्छे से डिसॉल्व करके क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे सबसे पहले। हाँ तो बच्चों, मैंने ये से देखिए प्रॉपर सॉल्यूशन बना लिया, थोड़ा सा हीट करके, अगर वाटर आपका सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ तो अब इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। तो आपको जैसा कि याद है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट आपने जो बनाया है एक्वस सॉल्यूशन, उसको इसमें ऐड कर देना, ठीक है। सो आफ्टर एडिंग फ्यू अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट, अब आप क्या करेंगे, अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब आप धीरे धीरे इसमें क्या ऐड करेंगे, यस, धीरे धीरे इसमें क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, और थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि इंटेंस ब्राउन रिंग
आपको नजर आई। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको नीचे लाइट रिंग अभी बहुत इंटेंस नहीं हुई है, बट आपको एक रिंग सर्कुलर पोर्शन में देखने को मिलेगी। हाँ बच्चों, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आप देख पाएंगे ये रिंग आपको थोड़ी डार्क नजर आने लगेगी। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा पूरा हुआ। अब चलते हैं कॉपर चिप्स टेस्ट की तरफ। ठीक है, सो कॉपर चिप्स टेस्ट परफॉर्म करने के लिए फिर से हमें एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे। तो हमने एक बढ़िया सी ड्राई टेस्ट ट्यूब ले ली और अब देखते हैं कि कॉपर चिप्स टेस्ट परफॉर्म कैसे करना होता है। आपको सॉल्ट लेना है अपनी टेस्ट ट्यूब में, उसमें कॉपर चिप्स कैसे भाई, ये देखिए कॉपर चिप्स में दिखाता हूँ। जो कॉपर की मतलब ये मान लीजिए कि लेयर होती है कुछ, हमें कॉपर के जैसे बुरादा होता है ना लकड़ी का, बिल्कुल उसी तरीके से कॉपर का बुरादा मान लीजिए अभी ये लिया हुआ है। तो हम सॉल्ट लेते हैं सबसे पहले नाइट्रेट का सॉल्ट और कॉपर चिप्स उस सॉल्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, नाइट्रेट का सॉल्ट मैंने ले लिया, उसमें कुछ राउंड फॉर्म में आप इस तरीके से कॉपर के चिप्स इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए आपके राउंड फॉर्म में ऐसे बुरादे को रोल किया और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। आप देख पा रहे होंगे कॉपर के चिप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं दिखाई दे रहे होंगे अगर सॉल्ट होगा। इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डाले हुए। ठीक, सो कॉपर चिप्स के ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर डार्क ब्राउन फ्यूम्स, क्योंकि नॉर्मल नाइट्रेट सॉल्ट में डार्क ब्राउन फ्यूम्स नहीं निकलते। किस तरीके से निकलते हैं, लाइट ब्राउन, वो भी वो हीट करने पर। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही ये ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और कंटेंट को, इसमें भी हीट करने की रिक्वायरमेंट होगी और फ्यूम्स जो निकलेंगे वो बहुत इंटेंस होंगे। जरा देखो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, जो फ्यूम्स निकलेंगे वो देखिए, जैसे ही आप इसे हीट करेंगे आपको फ्यूम्स बहुत इंटेंस नजर आने लगेंगे। ये बिल्कुल पहले ही जैसा टेस्ट है। देखिए आप टेस्ट ट्यूब का रंग देखिए, अब देख पा रहे हैं सब लोग, इस तरीके से हीट करने पर आप देख पा रहे होंगे इंटेंस ब्राउन फ्यूम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला केस भी पूरा होता है। दोनों कंफर्मिटी टेस्ट हमने नाइट्रेट आयन के लिए कर लिए। आप एक बार नोट कर लें और समझ लें। हाँ बच्चों, तो तैयार है हमारा लास्ट आयन डिटेक्शन करने के लिए, जिसे हम आयोडाइड आयन कहते हैं। सो आयोडाइड आयन का सॉल्ट हम लेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और हीट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी। ठीक है, हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट आपको वॉलेट वेपर्स नजर आएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है इस टेस्ट की। तो पहले इंडिकेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट है, इसके कन्फर्मेटरी, ये वही टेस्ट हैं जो ब्रोमाइड आयन के थे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना काम करते हैं ख़त्म। और हमारे पास क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब हमने लिए, उसमें आयोडाइड का सॉल्ट डाला। देखिए सभी सॉल्ट जो है आपको वाइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्ट को देख के नहीं पहचान पाएंगे कि वो ब्रोमाइड का, आयोडाइड का या क्लोराइड का, तो सभी वाइट सॉल्ट होंगे। तो आप सिर्फ केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही काम कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप डाल रहा हूँ, आप जल्दी से ऑब्जर्व कीजिएगा चेंज। देखिए ये है इसका चेंज। अगर आप टेस्ट ट्यूब को क्लोज करके रखेंगे या फिर आप वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे भी ध्यान दें तो आपको वॉलेट वेपर्स या वॉलेट कलर का ये नज़र आएगा, अगर आप ध्यान से देखें। और वेपर्स के कलर का ऑब्जर्वेशन भी आप वॉल्स ऑफ द साइड टेस्ट जो है ना टेस्ट ट्यूब की, उससे पता लगा सकते हैं। तो कंटेंट आपका वॉलेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर आयोडाइड का सॉल्ट होगा तो ऐसा कुछ चेंज देखने को हमें मिलेगा, क्लियर, जो पीछे के किसी सॉल्ट में हमने नहीं देखा। ओके ठीक है बच्चों, तो अब परफॉर्म करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आयोडाइड आयन के लिए। सो आयोडाइड आयन के लिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल वही प्रोसीजर रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है आपको। तो ये लीजिए सॉल्ट और इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे इसका बन जाएगा सॉल्यूशन। तो आपने सॉल्यूशन बना लिया, अब इसमें कुछ ड्रॉप नाइट्रिक एसिड की और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट की। तो मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ कुछ ड्रॉप नाइट्रिक एसिड की, ये लीजिए 1-2-3 कुछ ड्रॉप ऐड करने, ज़्यादा नहीं ऐड करना।
ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे, नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, AgNO3। जैसे ही आप AgNO3 ऐड करेंगे, येल्लो प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे, और यही येल्लो प्रेसिपिटेट ब्रोमाइड के केस में भी बनते हैं जब सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं हम लोग, है ना। तो अब ऐसे में ब्रोमाइड और आयोडाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए सॉलिबिलिटी चेक की जाती है NH4OH में। अगर सॉल्ट ये ब्रोमाइड का होगा तो NH4OH में कुछ हद तक डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर ये सॉल्ट आयोडाइड का है तो NH4OH में ये बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होगा। NH4OH में इसकी सॉलिबिलिटी का टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या कुछ हद तक डिजॉल्व होगा या नहीं। नहीं, कोई सॉलिबिलिटी नहीं है, कोई भी क्रिस्टल मतलब कोई भी जो प्रेसिपिटेट बने हुए हैं ये आपके डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, चाहे बेशक आप एक्सेस में ऐड करके देख लें। ये देखिए एक्सेस में भी ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं तो क्लियर सॉल्यूशन होता अगर सॉलिबल होता। तो अब परफॉर्म करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट, ठीक है। तो चलिए मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए फिर से एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं हम लोग, और इसमें ऐड क्या करना है, सॉल्ट, सॉल्ट के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो वॉलेट वेपर्स पास होंगे उनको, जो वॉलेट वेपर फॉर्म होंगे उन्हें हम पास करेंगे स्टार्च पेपर के थ्रू, और अगर स्टार्च पेपर ब्लू नेचर का हो गया तो इसका मतलब ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। तो अब हम फिर से थोड़ा सॉल्ट लेते हैं और उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करने वाले हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट ऐड करने के बाद में कुछ आप MnO2 डालेंगे, पाउडर्ड MnO2, ठीक है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये मैंने इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर लिया और इसको थोड़ा सा मैंने शेक कर दिया, ठीक है, ताकि इसके अंदर सॉल्ट और MnO2 मिल जाए, या तो आप पहले ही इसे मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब मैं इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता हूँ तो वेपर्स जो निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा, उन वेपर्स को पास करना है अपने स्टार्च पेपर के थ्रू। तो देखिए मैं स्टार्च पेपर इसके माउथ पे लेके जा रहा हूँ और उन वेपर्स को पास करेंगे, मतलब इस तरीके से डिप करके थोड़ी देर आप रखें ताकि आप इसके कलर को ऑब्जर्व कर पाएँ, और ब्लू यानी कि वाइट से ये कहीं ना कहीं ब्लू हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे जल गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली ऑब्जर्वेशन है, पेपर गिर गया था, ठीक है, इस तरीके से ये देखिए आप ध्यान से, क्लियर विजिबल है आपको, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी, और इस तरीके से हमारा आयोडाइड आयन भी कन्फर्म हुआ। तो होप कि आपने सभी एनायन के एनालिसिस को बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।